हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 1.1 का क्लास टेंथ रियल नंबर्स, वो ये है कि वी हैव टू शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो एज पर यूक्लिड हमें पता है क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर कोई ए और बी, ये क्या होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो देन क्या होगा, विच सेज बी ए विच इज़ अ डिविडेंड विच इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इज डिवाइज एंड क्यू इज क्वेश्चन्ड, एंड कंडीशन क्या होती है कार की, वही कंडीशन होती है विच इज़ ऑलवेज लेस देन बी बट इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द कंडीशन फॉर आर। तो वॉट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में है, ठीक है, और ये जो q है ये कुछ इंटीजर कोई सा भी हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड यहाँ हमें b की वैल्यू 6 हर किसी के अंदर दिखाई दे रही है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो b यहाँ पे हम 6 सपोज करेंगे, तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर हम पुट करें तो हमें a जो है 6q+r के बराबर आएगा। अब r की कंडीशन क्या है इसके अंदर, इस एतबार से हमारी r की कंडीशन जो है, जो कहती है कि b से हमें छोटा होगा, तो r की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारी आर, वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, हम 6 ले नहीं सकते क्योंकि 6 से हमें छोटी वैल्यू होती है हमारी आर की, विच इज़ द रिमाइंडर। तो आर जो है एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 0 के, बट हमेशा 6 से छोटा होगा, तो यहाँ पे ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, अगर r की वैल्यू 1 है तो हमारी जो पहली इक्वेशन है ये वाली, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, तो ए क्यू विच इज इक्वल टू ए 6q+r, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है, तो दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज कर लें क्यू की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं, तो इसके अंदर अगर हम पुट करें ना 6 1 6 + 1, तो 6 1 6, तो ये क्या है 7 ऑड है। अगर मान लीजिए कोई और नंबर भी ले लें बड़ा सा, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम पुट करके देखें तो 6 × 5 + 1, 6 6 5 30 + 1, और 31 क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो इस वजह से कोई भी ऑड नंबर जो है इसी फॉर्म में होगा हमारा। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, हमें दिखाना था कि आर 6q+3 देखा ना, तो हम आर के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ए इक्वल टू 6q+r, और यहाँ आर की वैल्यू हम पुट कर दें 3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लेते हैं सपोज़ फॉर एग्जांपल के तौर पर क्यू की वैल्यू 1 में ले लें और इसके अंदर पुट करके देखें, तो 6 1 6 + 3 9, और 9 क्या है हमारा, 9 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली बात प्रूफ हुई। अगर हम r की वैल्यू 5 मान लेते हैं और 6q+r के अंदर रखते हैं, तो 6q+r + 5, ठीक है, और इसके अंदर भी अगर हम देखें q की वैल्यू मान लेते हैं 5, तो 6 × 5 + 5, 6 × 5 = 30 और 30 + 5 = 35, जो कि ऑड इंटीजर है। तो फाइनली हमें ये बात पता चली, देयरफॉर वी कैन से एनी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है, विच इज़ प्रूव्ड।